रुख करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि हाथरस से है, जहां पर 3 सदस्यीय एसआईटी टीम थाना चंदप्पा पहुंची है। तो घटना की जांच अधिकारी बने सीईओ सादाबाद से की जा रही है पूछताछ। पीड़ित परिवार के लोगों से एसआईटी पूछताछ कर रही है। परिवार से बात करने के बाद घटनास्थल की जांच करेगी एसआईटी टीम। तो आपको बता दें कि एसआईटी टीम गठित कर दी गई है, जो की जाँच के लिए पहुंच चुकी है हाथरस, और 3 सदस्यीय एसआईटी टीम है जो की थाना चंदप्पा पहुंची है घटना की जाँच करने के लिए। तो अधिकारी बने हैं सीओ सादाबाद, और पूछताछ की जा रही है पीड़ित परिवार के लोगों से। एसआईटी पूछताछ कर रही है, परिवार से बात करने के बाद घटनास्थल की भी जांच करेगी एसआईटी टीम। शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता हाथरस से। शुभम, एसआईटी टीम गठित कर दी गई है जो कि अब हाथरस पहुंच चुकी है, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, आपको बता दें कि इस प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा जो एसआईटी टीम गठित कर गई थी, उसको लेकर 3 सदस्यीय टीम हाथरस पहुंची, और देर रात सबसे पहले उसने थाना चंद्रा पहुंची, जहां इस मामले के आईओ सीओ हैं उनसे बयान लिए गए, उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद पीड़िता के गांव पहुंची है और परिजनों से भी मुलाकात की गई, और घटना के बारे में घंटों जांच की गई, उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद आज घटनास्थल का भी निरीक्षण करेगी और अन्य बिंदुओं पर भी जांच करेगी। ठीक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद शुभम। तो हाथरस में एसआईटी टीम पहुंच गई है, जहां पर कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है। तो 3 सदस्यीय एसआईटी टीम चंदप्पा पहुंची है थाना, जहां पर घटना के जांच अधिकारी बने सीओ सादाबाद से भी पूछताछ की जा रही है, परिवारजनों से भी पूछताछ की जा रही है, और घटना स्थल का भी मुआयना करेगी एसआईटी टीम। तो हाथरस गैंगरेप जिसको लेकर ये एसआईटी टीम गठित की गई, और वो हाथरस पहुंच चुकी है, जहां पर कई बिंदु होंगे जिस पर जांच की जाएगी।